जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, कर्ज यदि आप पर चढ़ गया है, पैसे की बहुत ज़्यादा, धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और अभी सभी दिन त्यौहार के आ रहे हैं, इन त्यौहारों में पैसे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपको लग रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या शनि की कूड़दृष्टि आप पर पड़ी हुई है, राहु केतु आपके आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी समस्या, क्योंकि जब धन की कमी हमारे पास होती है, इन सभी कारणों में से सबसे बड़ा कारण होता है जब शनि देव की हम पर साढ़े साथी चल रही होती है, ढैया शनि चल रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं हम सबसे पहले पैसे से कंगाल होते हैं, धन से कंगाल होते हैं। उसके बाद शारीरिक बीमारियां शुरू होती हैं, घर में कलह शुरू होती है और राहु केतु भी यदि आप पर बलशाली हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि ये ग्रह ऐसे हैं जो सबसे पहले आपको धन से बर्बाद करते हैं। बिजनेस में हैं, यदि आप नौकरी में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक यदि आपका गुजर बसर हो रहा था और अचानक से आपको लगा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे पास धन हानि ज़्यादा हो रही है, अनावश्यक खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, पैसे की आवक कम हो गई है, ये सारी समस्याएं तभी आती हैं जब शनि देव और राहु केतु का हम पर दुष्प्रभाव होता है। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, अवश्य एक बार अवश्य आप ट्राई कर देखें, एक बार अवश्य आजमा कर देखें। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप यदि करते हैं तो आप देखना, शनि की कूड़दृष्टि, राहु केतु, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में से दूर हो जाएंगी। और यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर ढैया शनि चल रहे हैं या वो शनि देव से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, तो आप ये कार्य शनिवार की शाम को करें, शाम से रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय। और यदि आपको लगता है कि राहु ग्रह आपका आपको परेशान कर रहा है, तो ये कार्य आपको रविवार को करना है या बुधवार को करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको करना है ये राई, काली राई, जो काले रंग के सरसों के दाने होते हैं, राई के दाने होते हैं, वह अधिकतर घरों में, क्योंकि उससे हम अपनी सब्जी में छोंक लगाते हैं, तो सभी के घरों में होते हैं। और आपको बस वह राई के दानों से ही यह उपाय करना है। आप शाम से लेकर जब सूर्य अस्त होता है, उसके बाद से लेकर आप रात्रि तक, जब तक आप सोने नहीं जाते, तब तक कभी भी कर सकते हैं। जब आपको समय मिले, जब आपको लगे कि आप सहज हैं इस कार्य को करने में, थोड़ा सा मन आपको एकाग्रचित करना होगा। इसके लिए आप अपने आप को देख लें कि आप कब कर सकते हैं आपको ये कार्य करने से, क्योंकि एक तरह से उपासना है, एक तंत्र क्रिया है। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ कर लें, अपने हाथ पैर मुंह धो लें और एक आसन लगा कर बैठ जाएं। काजल की डिब्बी सभी के पास होती है, यदि डिब्बी नहीं है, यदि आपके पास पेंसिल, काजल पेंसिल या आईब्रो पेंसिल वगैरह जो होती हैं, यदि वह है तो भी चलेगा, नहीं है काला स्केच पेन, काला पेन, उससे भी आप यह कार्य कर सकते हैं। छोटा सा कागज, बिल्कुल छोटा सा कागज लीजिए और आपको अपनी समस्या पॉजिटिव उसमें लिखना है कि जैसे आपके पास धन नहीं है तो आप बोलोगे मेरे पास पैसा भरपूर मात्रा में आ रहा है। यदि आपके घर में क्लेह है, क्लेश हो रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे घर में अब असीम शांति है। यानी आपको उसको पॉजिटिव वे में लिखना है, नेगेटिव तरीके से नहीं लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एक बार में आपको ये कार्य, एक ही कोश, जो भी आपकी समस्या है वही लिखना है, जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है आपको यह करना है। आप जब पूजन, जहाँ आप पूजन करते हैं वहाँ बैठें या कहीं भी बैठें, आप जब बैठने लगे तो आसन तो बिछाएंगे, आपको एक कार्य और करना होगा। जो कंडा होता है आपके घर की दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा एक तरह से ये सब कार्यों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। जब आप अपनी नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं, आपके घर की जो भी कमियां दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन की जो समस्याएं दूर करना चाहते हैं, तो आप यदि दक्षिण पश्चिम दिशा चुनते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपका उपाय आप पर सिद्ध होता है। इसलिए आपको दिशा वही लेना पड़ेगा। चाहे आप छत पर ये कार्य
जो मैं उपाय बता रही हूँ उसके बाद आप पड़क के आ सकते हैं, लेकिन दिशा का ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा के लिए ही ये कार्य उपाय है। आप करेंगे कि आप छोटा सा कंडे का टुकड़ा, गाय के गोबर के जो कंडे का टुकड़ा होता है छोटा सा, आप पहले उसके जलाकर, जैसे वास्ती देते हैं उस प्रकार आपको कंडे का टुकड़ा थोड़ा सा जलाकर आप कोई भी बर्तन में ले लें। यदि आपके यहाँ हवन कुंड है तो आप उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद आप उस कागज में, उस आसन पर बैठ के वो कंडी अपने पास रख लें जली हुई, और आप उस आसन पर बैठ जाएं और जो भी आपकी समस्या है उसमें से एक समस्या पॉजिटिव वे में आपको लिखना है, और लिखकर थोड़े से राई के दाने, थोड़े से राई के दाने उसमें डाल दीजिए। थोड़े से का मतलब है, समझ लीजिए आप आधी चम्मच से भी कम, यानी कोई गिनती नहीं है, लेकिन एक अंदाज कह सकते हैं कि थोड़े से दाने जिससे पुड़िया बन जाए, और उसको कागज़ को फोल्ड कर लेना है। उस राई के दाने की जो कागज़ की पुड़िया फोल्ड की है, आपने समस्या लिख दी और उसको फोल्ड किया, उसके बाद अपने ऊपर से खड़े होकर 7 बार बार लें और खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करें कि हे प्रभु, ये मेरी समस्या है और ये आपको दूर करना है। शनि देव से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, आप ये कार्य कर और वो पुड़िया लेकर जाएं, और जो आपने हवन कुंड रख के रखा हुआ है उसमें डालें। उसमें डालने के बाद इसको दक्षिण पश्चिम दिशा, यदि आप चाहें तो आपकी गैलरी में रख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी छत पर रख सकते हैं, या नहीं है कोई ऐसा स्थान तो घर के बाहर। बस वो कागज़ पूरी तरीके से जल जाना चाहिए, उसके अंदर की जो राई है वह भी पूरी तरीके से जल जाएगी। और जब राई चटकेगी और ज़्यादा आवाज़ नहीं आए, तो ये समझ के लीजिए कि आपके जो अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, जो परेशानी आपके अंदर घर कर गई थी, वह समस्या अब आपकी समाप्त हो जाएगी। यदि राई की चटकने की आवाज़ आती है तो आप ये उपाय फिर से करें, शनिवार के ही दिन करें। बहुत ही शीघ्र आपकी जैसी भी समस्या ने यदि ऐसा होता है तो आप मानकर चलिए कि आपने करने में कोई आपसे गलती हुई है, पूरी तरीके से आपने विश्वास पूर्वक यह कार्य नहीं किया है, फिर से आप ये प्रक्रिया दूसरे शनिवार को दोहराएं, नहीं तो एक ही शनिवार में कार्य हो जाता है। और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में आपने रख दिया, वो थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से जल जाएगी, और उसके बाद आप सुबह इसे किसी गमले में डाल दें, किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, या किसी बड़े वृक्ष के नीचे डाल दें, आप जहाँ चाहें वहाँ डाल सकते हैं। इससे जो आपके अंदर की नेगेटिविटी, जो राई के दाने होते हैं, शनिवार के दिन आप यह कार्य करते हैं, आप मान कर चलिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर होगी। यदि आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, अशांति बहुत ज़्यादा है, जो भी आपने इच्छा रखी है, कई लोगों ने यह उपाय विवाह के लिए किए और शीघ्र ही उनके संबंध तय हो गया, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य कर देखें। जैसी भी आपके जीवन में आवश्यकता है या जैसी भी समस्या है, उसके आधार पर आप उस कागज़ पर लिखें, मैं इस जगह चाहती थी कि भोजपत्र होना चाहिए, लेकिन मैंने एक बार और उपाय भोजपत्र का बताया था, सभी लोग नहीं ला पाते हैं, तो आप सफ़ेद कागज़ पर बस जो भी आप उपयोग में ले रहे हैं, यदि काजल की डिब्बी से लिखते हैं या काजल की पेंसिल से लिखते हैं, यह उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत ही शीघ्र असर करता है। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आप काले पेन से या काले स्केच पेन से भी लिख सकते हैं, तो भी हो सकता है थोड़ा सा धीरे असर करे, लेकिन उपाय कार्य जरूर करेगा। और कार्य करते समय आपको मन में विश्वास अवश्य रखना है, जैसे आपने पॉजिटिव वे में लिखा है वैसे ही अपनी सोच इस उपाय को करते समय यदि आप रखते हैं, तो अवश्य शनिदेव यदि आप पर क्रोधित भी हैं, रुष्ट भी हैं, या राहु केतु आपको परेशान भी कर रहे हैं, तो सब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, आप पर भगवान की आपके इष्ट की कृपा होगी और आपके जीवन की समस्या दूर होगी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।